आरडी शर्मा क्लास 11 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। टॉपिक क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ ए लाइन। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर स्ट्रेट लाइन का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए, मुझे कुछ टाइम मिले हैं तो मैं आपके बातों को अमल कर रहा हूँ। ये लास्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये एक्सरसाइज कौन से है? तो एक्सरसाइज 23.8 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोडक्शन बाद, उसके बाद एक्सरसाइज पे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या बोल रहा है? देखिए, थ्योरम बोल रहा है, ये थ्योरम है। हम इस फॉर्मूला को डिराइव भी करेंगे, कैसे डिराइव होगा। थ्योरम कह क्या रहा है? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अगेन जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन जो पढ़ रहे थे, तो इस फॉर्म से भी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही निकालेंगे। कंडीशन क्या है? वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1, और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर ऐसा है तो उसका इक्वेशन होगा ये। और आर क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द लाइन फ्रॉम पॉइंट पी x1 y1। ये कह क्या रहा है? तो फिगर से समझते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यानी कि एंटी क्लॉक वाइज थीटा ये हो गया। ये एक्स एक्सिस है, तो अगेन मैं इसमें एक वाई एक्सिस बना दूं, ये वाई एक्सिस हो गया। इसको स्ट्रेट लाइन दिखने से तो ये स्ट्रेट लाइन लग रहा है, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है। इस पर एक पॉइंट पी है, ऑलरेडी पहले से पास हो रहे हैं थ्रू x1 y1, तो इसको x1 y1 ले लेता हूँ ना। अब इस लाइन पे कोई एक ऐसा पॉइंट खुद से मैं मान लेता हूँ, लेट पी, इसको पी मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट है xy, और ये x1 y1 पहले से था पॉइंट, और पी मैं एज्यूम किया हूँ, तो ये जो डिस्टेंस ही क्या है? आर है। तो सिंपल अगर कहने का बात है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, किसी दूसरे पॉइंट पी का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सपोज आर, और इसका कोऑर्डिनेट मान लिए कुछ दिया हुआ, तो इस कंडीशन में इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा इसके हेल्प से। तो ये में भी पॉइंट पी ही हो सकता है, या फिर इसके थ्रू एक लाइन भी पास हो सकता है, तो भी आपसे इक्वेशन पूछे। एक लाइन है जिस जो एक पॉइंट सपोज क्यू से पास हो रहे हैं, ठीक है, और ये लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है मान लीजिए पॉइंट पी पे, तो फिर इस इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बहुत तरह का कंडीशन निकल के आएंगे, तो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। चलिए, अब ये जो डिस्टेंस लिया हूँ ये आर, ये तो फिक्स है पॉइंट, ये एज्यूम किया हूँ। एज्यूम करने के लिए मैं तो इधर भी एज्यूम कर सकता था ना पी, तो इस पहले से पॉइंट है मान लीजिए क्यू, तो क्यू के राइट तरफ जाएंगे तो प्लस आर लेंगे, क्यू के लेफ्ट तरफ जाएंगे तो माइनस आर लेंगे, ये नोट कर लीजिएगा बात। तो चलिए मैं क्या करूँगा, पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स ये ओ है तो ओ एक्स पे, इसको एम मान लिए, क्यू से भी अगेन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एन, और क्यू से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पी एम पे, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट आर। ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये x1 है और ये y1 है, तो ये इतना पॉइंट है x1, यहाँ पे पॉइंट क्या है x और y, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x में से x1 माइनस कर दिए तो x माइनस x1। सिमिलरली ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1। अब देखिए बात को, ये थीटा है, ठीक है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हूँ, तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर रहता है, ये क्या है भाई, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है एक लाइन, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल थीटा ही होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में
इन ट्राइंगल पी क्यू आर में साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो पी अपॉन एच, पी में क्या है वाई माइनस वाई वन और एच में क्या है तो आर। कॉस थीटा अप्लाई करूं तो बेस एक्स माइनस एक्स वन हाइपोटेनस आर, ये दोनों के हेल्प से आर फाइंड आउट करूंगा। यहाँ से आर क्या निकल के आएंगे वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, यहाँ से आर निकल जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा। आर और आर दोनों सेम है तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोल सकते हैं आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गए इस लाइन का। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो नोट करने वाली बात है, क्या है, अब यहाँ पे तो आर निकल के आ गया तो इसी इक्वेशन से अगर मान लीजिए पॉइंट पी का आपका कोऑर्डिनेट पूछता तो देखिए कैसे निकलेंगे। इक्वेशन तो पता चल गया मुझे आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आर कॉस थीटा, ये एक्स वन इधर जाएगा तो प्लस एक्स वन इक्वल टू एक्स निकल के आ गया, और आर अगेन किसके इक्वल था वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा के, तो यहाँ से भी वाई क्या निकल के आएगा आर साइन थीटा माइनस वाई वन था तो ट्रांसफर करेंगे तो प्लस वाई वन, ये एक्स निकल के आ गया और ये y निकल के आ गया, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट P जो एज्यूम किए थे। ठीक है, तो ये पहला बात नोट करने वाला था कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई क्या आया r cos थीटा प्लस एक्स वन और y में r sin थीटा प्लस वाई वन। सेकेंड पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए Q पहले से दिया हुआ है इसके थ्रू पास हो रहे हैं और एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया, ये राइट साइड में गया हूँ मैं तो Q के राइट साइड में जाएंगे तो प्लस R लेंगे। अगेन अगर Q कोई पॉइंट Q है उसके थ्रू लाइन पास हो रहे हैं, अब P पॉइंट मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ Q के, तो इसमें केस में निगेटिव R लेंगे। थर्ड पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है, हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर, आर का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट पॉइंट निकलेंगे ना पी का, अगर मैं आर पॉजिटिव लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पी का कोऑर्डिनेट कुछ और आएगा, आर नेगेटिव लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पी का कोऑर्डिनेट कुछ और आएंगे, तो मैं लिखूंगा डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर डिटरमाइन डिफरेंट पॉइंट ऑन द लाइन, डिफरेंट पॉइंट लाइन देगा तो हम बोल सकते हैं सो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका कुछ और भी अलग नाम भी है तो क्या बोलते हैं उसको पैरामेट्रिक या सीमेट्रिक फॉर्म, तो ये पॉइंट याद रखिएगा मे बी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता हो। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट याद रखने वाली बात है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 23.8 का, नोट कर लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट ए वन टू, एक पॉइंट है उसके थ्रू एक लाइन पास हो रहा है तो मैं ड्रॉ करता हूँ, तो उसके फर्स्ट मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल 60 डिग्री भी ड्रॉ करना है। तो सपोज मान लिया कि ये लाइन है ए से पास हो रहे हैं, मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ, नेमिंग दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया 1 2, और यही लाइन मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री, इंटरसेक्ट द लाइन, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स एक लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो आप माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि ये लाइन को मैं कैसे ड्रॉ करूं, इंटरसेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो वो लाइन में भी इधर से भी जा सकता है, इधर से भी, इधर से भी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फील करवाने के लिए मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा, कैसे ड्रॉ होगा। उसके बाद जरूरी नहीं है कि एकदम इस तरह के एक्यूरेट फिगर बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद हम रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो क्लास टेंथ में लाइन को ड्रॉ करना सीखे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स है, तो उसके लिए हम एक्स और वाई को एज्यूम करते थे। अगर एक्स जीरो रहेगा तो वाई सिक्स, अगर वाई जीरो है तो एक्स सिक्स। अब ये दोनों पॉइंट मिल गए, जब एक्स जीरो है तो वाई कितना होगा, सिक्स होगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे जीरो सिक्स, अब एक्स सिक्स है तो वाई जीरो, सपोज मान लेता हूँ यहाँ पे सिक्स जीरो। इसी दो पॉइंट को तो क्या करना है, पास कर रहा है इस पॉइंट के थ्रू, और ऊपर भी ले ले सकता हूँ। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे है ये पॉइंट, तो इसके थ्रू ज्वाइन कर देते हैं, ये पास हो गया। तो इस लाइन को, ये लाइन कौन सा हुआ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसको मान लेता हूँ कोई पॉइंट पी। तो बोले थे ना कि एक लाइन रहेगा, उसका पॉइंट दिए हुए रहेंगे, जब पॉइंट दिए हुए हैं तो उस पर एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट ले लेता हूँ, जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं बोल सकता हूँ, तो यही तो है, अब क्या निकालना है, फाइंड ए पी, ये डिस्टेंस निकालना है। इसी डिस्टेंस को तो आर बोलते हैं, तो यही आर का डिस्टेंस, आर का वैल्यू निकालना है। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पड़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर, वैल्यू पुट करेंगे। एक्स वन वाई वन कौन सा पॉइंट डिनोट करेगा, a वाला, जो एज्यूम करेंगे उसका नहीं। तो ये एक्स वन है और ये वाई वन है, एक्स वन में वन है तो x माइनस वन कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60। y माइनस वाई वन, वाई वन में टू है अपॉन थीटा 60 है इक्वल टू आर, कॉस 60 क्या होते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन कॉस 60 कितने होते हैं 1/2 ही होते हैं ना, इक्वल टू y माइनस टू साइन 60 होते हैं √3/2 इक्वल टू आर। नाउ अब क्या करेंगे, इससे ना x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2 पर चले जाएंगे तो 2x माइनस वन, 2 पर चले जाएंगे तो 2y माइनस टू अपॉन √3 इक्वल टू आर। अब क्या करूंगा, ये इसके इक्वल है, 2 उधर गया तो डिवाइड में, तो x माइनस वन इक्वल टू आर बाई टू, माइनस वन ट्रांसफर करूँगा तो x क्या आएगा आर बाई टू प्लस वन। उसी तरह से ये इसके इक्वल है, √2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस टू इक्वल टू √3r, 2 डिवाइड में चले जाएंगे तो y माइनस टू √3r बाई टू। अगेन अब इसको 2 को उधर ट्रांसफर करूँ तो y आ जाएगा √3r/2 प्लस 2, तो ये y और ये x निकल के आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट किसका निकल के आया, p का। आप देखिए p पॉइंट जो है इस लाइन पे है, लाई कर रहा है, तो इस लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट आया x है r/2 प्लस 1 और y आया है √3r/2 प्लस 2, ये लाई कर रहा है ऑन लाइन, कौन सा लाइन है, तो x प्लस y इक्वल टू 6, सो इट मस्ट सेटिस्फाइड, जो भी पॉइंट लाई करेंगे, एक नहीं इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेगा इस लाइन पे, सारा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाइड द इक्वेशन। नाउ अब क्या करूंगा,
तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, तो r बाई टू प्लस वन, y की जगह क्या है तो रूट थ्री आर बाई टू प्लस टू इक्वल टू क्या है सिक्स। इसको इसको एक साथ लेके r कॉमन लूँगा तो यहाँ हो जाएगा वन बाई टू और यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री बाई टू, वन प्लस टू थ्री, उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा थ्री। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करें तो एलसीएम तो टू ही होगा तो थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस रूट थ्री। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तो वन प्लस रूट थ्री लिखिए या फिर रूट थ्री प्लस वन लिखिए, बात एक ही है, तो रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन, तो सिक्स रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का तो माइनस वन, ये टू आएगा टू थ्री जा तो कैंसिल हो गया था थ्री रूट थ्री माइनस वन, ये आर का वैल्यू। अब यही तो निकालना था, आर ही तो था ये पी, सिंपल। ये क्वेश्चन बनाने के बाद यही मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक लाइन है क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई पॉइंट कोई पी से पास हो रहे हैं, अगेन कोई एक पॉइंट मान लूंगा क्यू, ये डिस्टेंस फॉर्म हो जाएगा, इक्वेशन निकल जाएंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ, क्वेश्चन रहेंगे तो वहाँ भी बताएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड, इफ द स्ट्रेट लाइन थ्रो, सेम क्वेश्चन है, फिगर वही बनाऊंगा, पहले वाई एक्सिस बना देता हूँ फिर एक्स एक्सिस। लाइन थ्री फोर से पास हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, थ्री फोर से पास हो रहा है, मेक एंगल पाई बाई सिक्स मीन्स थर्टी डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यहाँ तक क्लियर। ये लाइन दूसरे लाइन को मीट कर रहा है क्यू पे, तो ये लाइन बनेगा कैसे, अगेन वही प्रोसेस, 12x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 10, एक्स वाई, तो एक्स वाई का कुछ वैल्यू लीजिए आपको निकलेगा, अगर x जीरो लूँ तो y कितना आ जाएगा माइनस टू, अगर y जीरो लेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ लीजिए, y का वैल्यू क्या लूँ 10 ले लेते हैं, 10 550 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 60, तो 12 5 जा तो ये आ जाएगा माइनस 5। इसको प्लॉट करते हैं, x जीरो है तो y कितना आएगा माइनस 5, तो नीचे में रहेंगे, फिर x माइनस 5 है, मान लीजिए कि माइनस 5 है तो 10 ऊपर में, तो यहाँ पे कहीं इधर, तो यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस 5 और 10, इसको मिलाते हैं ज्वाइन करते हैं, ये लाइन ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ क्यू, मैं बोला था कोई पॉइंट पी है राइट साइड में जाएगा तो आर पॉजिटिव आएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आर नेगेटिव आएगा, देखिएगा आर नेगेटिव ही आएंगे, लेकिन वहाँ पे मैं पॉजिटिव लूँगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं ना होते हैं, सॉल्व करने के लिए वैल्यू आर का नेगेटिव लेंगे, लेकिन एक्चुअली में आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होते ही नहीं है, तो अगेन वही जब डिस्टेंस फॉर्म बन रहा है तो भाई डिस्टेंस फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर, तो इससे कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएंगे, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकाल दूं, इसको इससे कंपेयर करूं तो कॉस थीटा इंटू आर ये उधर जाएगा तो प्लस, तो x हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, इसको इसको कंपेयर करूं तो r sin थीटा, अब y1 माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो y1 प्लस r sin थीटा, ये एक्स वाई किसका निकला q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं, x1 क्या है 3, r एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि r तो पता ही नहीं है, cos थीटा cos 30, y इक्वल टू
वाई वन है 4 प्लस आर साइन 30, तो 3 प्लस आर कॉस 30 क्या होता है रूट 3/2, 4 प्लस आर साइन 30 होता है 1/2, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ सॉल्व करूँ तो 6 प्लस रूट 3 आर, यहाँ सॉल्व करूँ तो 8 प्लस आर बाई 2, ये वैल्यू आ गए हैं। तो x का वैल्यू आ गया, अच्छा यहाँ पे 2 रह गए, तो x और y वैल्यू आ गया, x और y क्या माना था मैंने, q का वैल्यू, तो q इस लाइन ही पे ना लाइक कर रहा है, इस लाइन पे और इस पे भी, तो इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ तो है, इस लाइन का इक्वेशन है 12x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 10, तो इस लाइन पे अब q पॉइंट लाइक कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉइंट q लाई ऑन, वो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, पॉइंट q लाई ऑन दिस इक्वेशन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। नाउ तो 12 x का वैल्यू 6 प्लस रूट 3 आर बाई 2 प्लस 5 y का वैल्यू 8 प्लस आर बाई 2 इक्वल टू माइनस 10, इसको सॉल्व करिए, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 से कैंसिल होगा 6 बार में, 6 6 जै 36, 6 रूट 3 आर 8 40 प्लस 5 आर, अच्छा याद 2 भी थे ना, तो उससे बेटर है ना कि देखिए क्या करिए, 2 से नहीं कट करिए, 12 रहने दीजिए, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, एलसीएम लेंगे तो सेम ही रहेगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, तो 12 सिक्स जा 72, 12 रूट 3 आर 8 5 जा 40 प्लस 5 आर, एलसीएम लिए थे 2 तो इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा माइनस 20, आर यहाँ है आर यहाँ है कॉमन लूँगा, तो 12 रूट 3 प्लस 5 ये 72 है 40, तो कितना आ जाएगा 112, इधर आ जाएगा तो अब माइनस में हो जाएगा 132, ये टोटल डिवाइड में उधर चला जाएगा, तो माइनस 132 अपॉन 12 रूट 3 प्लस 5 आ गया। अब डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होता है तो मॉडुलस लगा दीजिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन 4, थर्ड नहीं करवा रहा हूँ, ये खुद से कर लीजिएगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 और 2, सेम उसी तरह प्रोसेस से बना लीजिएगा। तो 1, 2, 3 में और 4 में क्या अंतर है, क्वेश्चन देखिए पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन 4 क्या है, एक लाइन है ड्रॉ करना है 4 और -1 से, मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोज एक पॉइंट ले लिया, नेमिंग तो है ही ऑलरेडी, 4 और -1 से पास हो रहा है, पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन है ये एक लाइन के पैरेलल है, सपोज ये लाइन है 3x - 4y + 1 = 0, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे 2 पॉइंट है ऑन दिस लाइन, एक इधर और एक इधर, ठीक है, सपोज मान लीजिए इसको पॉइंट P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम A, अब हमेशा कंपेयर करना है A से ही, इसलिए मैं लिया हूँ 5 यूनिट लेना है, मैं लेने के लिए Q इधर भी ले सकते थे, लेकिन 5 यूनिट अगर इसको लीजिएगा तो Q भी यहाँ पर अगर लेंगे तो 5 यूनिट होगा, नहीं तो वो डेफिनेटली है कि Q क्या होगा अपोजिट साइड इधर होंगे, ये भी 5 यूनिट्स है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया 1, 2, 1, 2 और 3 सेम ही है, उसमें क्या था ना कि लाइन जो थे x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे थे, वो दिया हुआ रहता था, तो एंगल के हेल्प से हम क्या करते थे, तो जो फॉर्मूला था ना x - x1 / cos θ, y - y1 / sin θ, तो वो एंगल मिलता था ऑलरेडी, तो वो थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे,
अब यहाँ पे तो ये लाइन एक्स एक्सिस को तो कट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, पॉइंट यहाँ पे आया ठीक है। तो उसके लिए क्या दिया हुआ है आपको, एक पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से क्या निकाल लेंगे, स्लोप। स्लोप निकालने जाता है आपको, ये जब इक्वेशन है तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालिए। स्लोप इंटरसेप्ट क्या था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये एम ही तो स्लोप होता था। तो इस फॉर्म में अगर बनाओ तो माइनस फोर वाई को उधर ट्रांसफर करूँ तो फोर वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, फोर से डिवाइड कर दूँ तो वाई इक्वल टू थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर, तो यहाँ से स्लोप निकल के आ गया आपका थ्री अपॉन फोर। इस लाइन के लिए सपोज मान लेता हूँ एम वन स्लोप और इसके लिए एम टू स्लोप, और दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एम वन आ गया। तो मैं बोलूँगा सिंस मान लेते हैं लाइन एल और ये एम तो ले लिया हूँ, एम नहीं लेंगे, मान लीजिए एन, एल लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, सो स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एल, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पहले जितना भी एक्सरसाइज करवाया हूँ वो आपको सब कुछ माइंड में रखना होगा, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज करवाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म वो टोटली बेस्ड, इसके पहले जितने भी फॉर्म पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है, तो वो आपको माइंड में रहना ही होगा। तो पैरेलल रहता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, तो एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू कितना है, थ्री अपॉन फोर, तो ये स्लोप ही क्या होता है, टैन ही थीटा तो होता है स्लोप, तो थ्री अपॉन फोर। अब इस टैन थीटा के हेल्प से ट्रायंगल बनाए उस टाइप का, ये थीटा ले लिया तो थ्री और ये फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर ये फाइव हो जाएगा, तो इसके हेल्प से साइन थीटा निकल के आएंगे थ्री अपॉन फाइव, और कॉस थीटा निकल के आ जाएगा फोर अपॉन फाइव। तो ये लाइन पैरेलल देने के मेन कारण ये था कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया। नाउ अब क्या निकालना क्या है, तो पैरेलल फाइंड द इसका इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकालते हैं। एक केस लेके चल रहा हूँ मैं, सपोज एक केस कि एक लाइन है, एक पॉइंट ए है फोर और माइनस वन, एक पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस है फाइव, इसका मान लिया एक्स वाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग सकता है ना, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। तो ये बोला था कि जब कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो राइट साइड में जाएंगे तो प्लस लेंगे और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस फाइव लेंगे आर का वैल्यू इसमें, ठीक है ना। तो फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर बोलिएगा कि सर आर का वैल्यू इसके पहले निकाले तो इसमें तो पॉजिटिव लिए थे, तो डिस्टेंस के लिए ठीक है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे ना तो आर का वैल्यू इस केस में निगेटिव लेना होगा, तभी आपका आंसर आएंगे एक्यूरेट, नहीं तो दोनों तरफ प्लस लेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा आपको। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई करिए तो एक्स आर कॉस थीटा प्लस एक्स वन, वाई आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस वाई वन, आर गिवेन है फाइव, कॉस थीटा निकला है फोर अपॉन फाइव, एक्स वन मालूम है फोर, ये आ गया एट, वाई का वैल्यू आर मालूम है फाइव, साइन थीटा है थ्री बाई फाइव, वाई वन है माइनस वन, यह आ जाएगा टू, तो इसका पॉइंट निकल के आ गया एक्स है एट और टू, ये निकल गया अगर एक पॉइंट आया है। एक केस और बचा है, उसको यदि मैं लूँ तो ये देखिए ए ए के इधर लेना है क्यू।